हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका राखीज कुकिंग में। अभी तो गर्मी का मौसम आ गया है, तो गर्मी में कुछ ठंडा पीने को मन करता है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी मॉकटेल बनाना। चलिए शुरू करते हैं मॉकटेल बनाना। इसके लिए क्या क्या चाहिए पहले देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चिया सीड्स, आइस क्रश, खस सिरप, लेमन जूस और आपका स्प्राइट। बस इन पांच इंग्रेडिएंट्स से आपका टेस्टी मॉकटेल बन जाएगा। मॉकटेल की तैयारी करते समय आप पहले ही चिया सीड्स को लेके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे भिगो के रख दे। 10 मिनट तक इसको भिगो के छोड़ दे, फिर आप मॉकटेल बनाए, ये अपने आप फूल जाएगा। और हम इसमें आइसक्रीम भी ऐड करेंगे, ऊपर से इसको डालेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम लोग ग्लास में लेंगे खस सिरप, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना खस सिरप हम लोग इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग डालेंगे लेमन जूस, आधा लेमन हम लोग इसमें डाल देंगे। फिर हम लोग डालेंगे इसमें आइस। इन तीनों चीजों को अच्छे से हम लोग इसमें मिलाएंगे। तो इसे स्ट्रॉ से भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम लोग डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितना चिया सीड्स, 1 स्कूप आइसक्रीम, फिर से थोड़ा सा आइस डालेंगे। इसके ऊपर हम लोग पूरे ग्लास में स्प्राइट से इसको भर देंगे। बहुत धीरे धीरे से आपको स्प्राइट मिक्स करना है इसमें। नीचे से थोड़ा सा इसे इस तरह से प्रेस करके आप घुसा दें, ये सब चीज़ें अच्छे से इसके साथ ब्लेंड हो जाए। लीजिए, झटपट फटाफट आपका मॉकटेल तैयार हो गया। इसे टेस्ट करिए और बताइए ये आपको कैसा लगा। तैयार है ये मॉकटेल आपके लिए, पर आप इसे टेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको खुद को बनाना पड़ेगा। तो बनाइए आज ही, और इसका इंग्रेडिएंट्स भी इतना इजीली आपको घर में ही मिल जाएगा, तो आप आज ही इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू।